मैंने नया नया मसाज सेंटर में काम करना शुरू किया था, पर जैसे ही मैं मसाज करना शुरू करती थी तो तेल की खुशबू से बेहोश हो जाती थी, और जब सुबह नींद खुलती तो बेड पर पैसे रखे होते थे। एक दिन मैंने बिना मसाज के बेहोश होने का नाटक किया और फिर दरवाजा खुला, जाफर आया, और फिर मेरे साथ जो हुआ। मैं नई नई उस मसाज सेंटर में आई थी। इससे पहले भी मैं कई जगह नौकरी कर चुकी थी, मगर दो दिन से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाती थी। शायद मेरे गुस्से वाले स्वभाव की वजह से ये हो रहा था। ये मेरी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती, पता नहीं, जो मुझे फिर आज इस मसाज सेंटर में एक लड़की की तरफ से नौकरी मिल गई। मैं अपनी नौकरी से हाथ धोकर पार्क में बड़ी परेशान सी बैठी थी, जब एक लड़की को चलते चलते ठोकर लग गई और वो ग्राउंड में बैठकर करहाने लगी। मैं जो अपने में ही खोई हुई थी, उस लड़की को दर्द में देखा तो फौरन से करीब जाकर पूछा, क्या हुआ आपको? जिसके जवाब में लड़की ने करहाते हुए टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया कि उसके पैर को बुरी तरह से मोच आ गई है और वो हिल भी नहीं पा रही। मोच ठीक करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैंने उस लड़की को सहारा देकर वहीं बेंच पर बिठाया और उसका पैर देखने लगी, ताकि जान सकूं कि मोच कितनी गहरी है। लड़की मुझे बार बार दूर कर रही थी, पैर को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। बोलती, हट जाओ तुम, मेरा दर्द बढ़ा दोगी। मैंने उसे अपनी बातों में लगाया और बातें करते करते ही झटके से पैर को दाएं बाएं झटक दिया, जिसे एक कड़क की आवाज के साथ ही लड़की की चीख निकल गई और साथ ही उसने मुझे गालियां देना भी शुरू कर दिया। मगर मैं जानती थी कि ये दो तीन सेकंड में दर्द खत्म हो जाएगा, फिर ये मुझे ही शुक्रिया कहेगी। हुआ भी वैसा ही। जैसे ही दर्द खत्म हुआ तो वो अपने पैर को टटोलते हुए कभी मुझे देखती तो कभी अपने पैर को हिलाती। फिर उसने गहरी सांस भरकर मुझसे पूछा कि ये क्या था। मैंने उसे कहा कि अब तुम्हें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। वो मेरी तारीफ करते हुए झटके से उठी और बोलती, मुझे माफ करना, मोच की वजह से मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं बोल दिया। मैं मुस्कुराई और आगे बढ़ने लगी तो उसने रोक लिया और दोस्ताना अंदाज में पूछा, कहाँ काम करती हो तुम? ये बात सुनकर मैं चुप हो गई और नहीं में सिर हिलाकर कहा कि कहीं भी नहीं, आज ही बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। मैं एक स्टोर में हेल्पर थी। वहां किसी बच्चे ने शरारत से एक तेल का कार्टून गिरा दिया तो बॉस ने मेरी लापरवाही कह के मुझे बाहर निकाल दिया। अभी तक बहुत जगह नौकरी कर चुकी हूं मैं, मगर कोई भी नौकरी ज्यादा दिन नहीं कर पाती। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर काम कर पाती हूँ। इस परदेश में वो एक लड़की थी जिसने मेरे गम के बारे में पूछा, तो मैं भी उसे सब कुछ बताती चली गई। वो मेरी बात सुनकर बोली, तो ये तो अच्छी बात है, शायद वहां नौकरी करना तुम्हारे नसीब में ही नहीं था। मेरे पास एक जगह है जहां तुम्हें काम मिल जाएगा। मगर कहां, पहले ये तो बताओ, मैंने कहा। पर पता नहीं क्यों वो बता ही नहीं रही थी। जब मेरे ज्यादा पूछने पर कहने लगी, एक मसाज सेंटर है, मैं उधर हर हफ्ते जाती हूँ। अभी तीन दिन पहले ही उनकी एक लड़की काम छोड़कर गई है, तो वहां जगह खाली है, मैं तुम्हें वहां काम दिलवा सकती हूँ, मगर तुम संजीदा होकर करो तो। लेकिन मसाज सेंटर, वो तो जल्दी से बोली, अरे घबराओ नहीं, बहुत अच्छा है वो सेंटर, मैं जाती हूँ वहां, तुम भी वहां काम करके खुश होगी। और रही बात तुम्हारी नौकरी लगने की, तो मैंने तुम्हारे हाथों में जादू देखा है और यही किसी भी मसाज के लिए जरूरी भी होता है। ऊपर से तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि कहां से कितना दबाना है। मैं उसे हैरत से देख रही थी तो वो बोली, अब शौक मत हो, मसाज करवाती हूँ तो इन सब बातों का अंदाजा है मुझे। मैंने इस बात पर सर हिलाया तो वो मुझे अपने साथ एक मसाज सेंटर में ले गई। मैं दिल से वहां नौकरी नहीं करना चाहती थी, मगर मजबूरी थी, क्योंकि अगले महीने कमरे का किराया भी देना था, जबकि मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे। पता नहीं उस लड़की ने क्या कहा कि बगैर किसी प्रोसेस से गुजरे मुझे नौकरी मिल गई। ये सब आधे घंटे में ही हो गया था और मैं हैरत से खड़ी थी, इतनी आसानी से नौकरी मिल गई मुझे? वरना तो पैदल चल चलकर मुझे हर जगहों पर नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते, जहां कुछ लोग बुरी नीयत से देखते तो कुछ लोग इज्जत भी देते थे। कमाना कितना मुश्किल काम था, इन दो महीनों में मैं अच्छी तरह से समझ चुकी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया जिसने इतनी जल्दी बगैर किसी जान पहचान के बैठे बैठे काम दिलवा दिया। तब मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
तो लड़की जिसका नाम अलीशा था उसने गले से लगाकर मुझे गुड लक कहा और साथ ही अपने घर का पता भी लिख दिया कि जब चाहो मेरी तरफ आना, खूब मजे करेंगे। ये मेरी पहली दोस्ती थी जो दुबई में मेरे साथ हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मुलाकात मुझे कहाँ ले जाएगी, क्योंकि उस नौकरी के बाद ही वो कहानी शुरू हुई थी जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पहले 2-4 दिन तो मसाज सेंटर में आराम से सब काम चलता रहा, पर उसके बाद जो हुआ उसकी पूरी कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। आज मुझे मसाज सेंटर में काम करते करते 5 दिन हो गए। अचानक से मसाज सेंटर में हलचल मच गई और दरवाजे से एक बहुत ही सुंदर सी औरत अंदर आई। मैं अपने एक क्लाइंट का हेड वॉश कर रही थी। बस औरत देख कर मसाज पार्लर का हर एक बंदा हरकत में आ रहा था। वो औरत बाकी वर्कर से होते हुए मेरे पास आई तो असिस्टेंट ने बताया कि ये नई लड़की है जिसको अलीशा ने रखवाया है। वो औरत मुझे बड़ी ही दिलचस्प निगाहों से देखने के बाद बोली, इतनी अच्छी चॉइस तो अलीशा की ही हो सकती है, उसकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, भला इतना खूबसूरत नगीना तो वही तलाश कर सकती है। उसे फोन करके बता देना कि मैं बहुत खुश हूँ और आकर अपना इनाम ले जाए। अब वो मेरे पास आकर बोली, पहले कभी मसाज किया है या किसी सेंटर में काम किया है? मैंने नहीं में सिर हिलाया, मगर ये जरूर बताया कि हाँ, अपनी अम्मा के सर में करती थी मैं मसाज। वो औरत मुस्कुराने के बाद बोली, मुझे मैडम बोलते हैं यहाँ सब, तुम भी ध्यान रखना, सब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। यकीनन औरतों की मसाज करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें एक और काम के लिए रखा गया है। साथ ही उसने असिस्टेंट को इशारा किया और आगे बढ़ गई। असिस्टेंट ने जल्दी से मुझे हाथ धोकर सब कुछ छोड़ने को बोला और दूसरी लड़की को बुलवाकर उस कस्टमर का हेड वॉश करने को कहा। मैं तो परेशान हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मैं जहाँ काम करती थी तब अजीब लगता था, पर यहाँ तो मुझे अपनी बॉस ही अजीब लग रही थी। खैर, अब जो भी था मुझे अब यहीं पे काम करना था, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। अब वापस वही सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। खुद को थोड़ा समझाना पड़ेगा, पर मैं कर लूंगी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि मैडम के असिस्टेंट आकर बोली कि मैडम बुला रही हैं, जल्दी चलो। इसके बाद उन्हें और भी बहुत काम करने होते हैं। मैं उनके असिस्टेंट के साथ दफ्तर में चली गई, जहां मैडम ने असिस्टेंट को कमरे से बाहर जाने को कहा और मुझे कुर्सी पर बिठाकर बोली, मैं अब जो कुछ भी तुमसे कहने जा रही हूँ ध्यान से सुनना, और ये बातें इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर आपने किसी से भी जिक्र किया तो वो वर्कर डायरेक्ट मुझे आकर बताएगा, इसलिए ध्यान रखना। मेरे अंदर तो जैसे हलचल मच गई। अब जाने क्या कहना चाहती है और ऐसी भी क्या बात है। मैंने मैडम से पूछा, मेरा यहाँ क्या काम होगा? वो बोली कि तुमको रोज इसका मसाज करना है, इसका नाम जाफर है, और तुम हर रोज यहाँ आकर इसकी मसाज करोगी। मैंने कहा, पर मैडम इस गुड्डे का? मैंने बहुत हैरानी से पूछा तो वो नाराजगी से बोली, गुड्डा नहीं, जाफर है इसका नाम, और तुम्हें सवाल करने की इजाजत नहीं है, बस जो कहा है वो करो। मैंने नासमझी से इस बात पे सर हिला दिया, क्योंकि ये सारी बात मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर गई थी। भला गुड्डे का मसाज क्यों जरूरी है? मन में तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, मगर ये सब सवाल मुझे अपने अंदर ही रखने पड़े। मैडम बोली, आज तुम कोई काम नहीं करोगी, जाओ छुट्टी लेकर घर चली जाओ, कल से तुम्हारा काम शुरू होगा, और हाँ, इसके बदले में तुम्हें 3 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलेगी और रोज अलग से पैसा मिला करेगा, वो अलग। अब जाओ, मुझे काम करना है। मैं वहीं खड़ी सोच रही थी, मैडम दोबारा बोली, अब जाओ मुझे काम करना है कुछ। मैं दफ्तर से बाहर निकल आई, पर पता नहीं बाहर सब लड़कियां मुझे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, साथ ही उनकी निगाहें मुझे और भी ज्यादा असमंजस में डाल रही थी। मैं जैसे ही अपना बैग उठाकर जाने लगी तो एक वर्कर जिससे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी मेरे करीब आकर बोली, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? मगर वो बस आंखें घुमाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ये मसाज सेंटर कोई अजीब सी ही जगह थी, जहां कोई भी शख्स सीधी बात ही नहीं करता था। मैं वहां से बाहर आई तो मुझे याद आया कि अलीशा ने मुझे अपना पता दिया था। मैं बिना सोचे समझे उसके पते पर पहुंच गई, तो वो तो पता ही गलत था, वहां तो कोई मर्द रहता था। अब मुझे बहुत घबराहट होने लगी कि कहीं मैं किसी बड़े खेल का मोहरा तो नहीं बन गई, क्या अलीशा मुझे यहाँ जानबूझकर लाई है। फिर याद आया कि वो मैडम भी यही कह रही थी कि मैं उसके काम से खुश हुई, नगीना चुनकर लाई है, उसे इनाम दे देना।
मतलब क्या था इन सब बातों का? अब तो मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी, लेकिन इस बार मैं जरा भी नहीं डरी। मैं देखना चाहती थी कि असल में ये सब क्या हो रहा है और कहां तक चलेगा। ये जानने के लिए मेरा नौकरी करना बेहद जरूरी था। मैं नौकरी किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी, ये तो मैंने सोच लिया था। यही सब सोचते सोचते मैं अपने एक कमरे के फ्लैट की ओर जाने के लिए बढ़ गई। अगले रोज मुझे मसाज सेंटर में जाते हुए थोड़ी देर हो गई तो मैडम की असिस्टेंट मुझ पर चीखने लगी कि इतनी देर से क्यों आई हो, कल ही तुम्हारी खास नौकरी पक्की हुई है तो तुमने नखरा दिखाना शुरू कर दिया। मैं उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी मगर किसी तरह चुप रह गई, क्योंकि पहले भी मेरे गुस्से की वजह से ही मुझे ढेरों नौकरियों से निकाला गया था। मैं दफ्तर में गई तो मैडम बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी, मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, लगता है सुबह आंख नहीं खुलती तुम्हारी। मैंने कहा कि मैडम बस आज जरा देर हो गई, आप चाहो तो मेरी हाजिरी देख सकती हो रजिस्टर में, मैं समय से ही आती हूँ। मगर मैडम बोली, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारी नौकरी शाम से शुरू होगी या रात से, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम सुबह मत आना, ठीक है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैडम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है या मेरे नखरे क्यों उठा रही है, लेकिन सवाल करना मेरा काम नहीं था। मैंने बस इस बात में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल आई। अब मेरे पास पूरा दिन था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बेहतर था कि घर जाकर सो जाती हूँ, वरना रात को मुश्किल होगी। यही सोचकर मैं जैसे ही घर जाने के लिए निकली, मुझे सामने सड़क पर अलीशा चलती हुई नजर आई। मैंने उसे बहुत आवाज लगाई पर उसने मेरी बात नहीं सुनी, या फिर मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंची शायद। तो मैंने तेज कदमों से सड़क पार करने की कोशिश की ताकि उसके पास जाकर इस सारे मामले के बारे में जान सकूं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो बस पर सवार होकर जा चुकी थी और मैं पीछे हाथ मलती रह गई। अब मैंने सोच लिया था कि ये सब क्या हो रहा है मुझे खुद ही पता लगाना होगा, तो मैंने घर जाकर आराम किया और रात को ठीक वक्त पर वहां पहुंच गई। मसाज सेंटर में अभी भी खासी गहमा गहमी थी। मैं सीधा ही दफ्तर में गई। मैडम के असिस्टेंट ने मुझे एक कमरे में ले गई जहां सिर्फ एक बिस्तर था और उसके ऊपर से गुड्डा गायब था। इससे पहले कि मैं गुड्डे को ढूंढती, मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मैडम हाथ में गुड्डे को लेकर अंदर आई। मुझे कहने लगी, चलो अब मसाज शुरू करो। मैंने उनके हाथों से गुड्डा ले लिया और बिस्तर पर लेटाकर तेल लगाना शुरू ही किया था कि मैडम कमरे से बाहर चली गई। वो बहुत ही खुशबूदार तेल था और हाथों पर लगाकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन जल्द ही मुझे नींद भी आ गई और मैं वहीं पर सो गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो रही थी। मैं तो हक्की बक्की सी रह गई और हड़बड़ा के उठी। पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई, अभी तो मैंने अपना काम भी पूरा नहीं किया था, फिर नींद क्यों आ गई मुझे? लेकिन मेरी हैरत तब बढ़ गई जब मैंने देखा कि बिस्तर पर से गुड्डा गायब था और काफी सारे पैसे पड़े थे वहां। मैंने हाथों में वो पैसे उठाए और मैडम के पास गई और कहा कि वहां गुड्डा नहीं है, मैडम मेरी गलती थी, मैं जल्दी सो गई थी, लेकिन ये आपके पैसे वहां रह गए। मैडम मुस्कुराते हुए बोली कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हुए वो हंस रही थी, तुम्हें पूरी छूट है कि तुम काम पूरा करो या ना करो, बस यहाँ आना जरूरी है, और ये पैसे मेरे नहीं है, तुम्हारे ही हैं, इन्हें रख लो और महीने के बाद तुम्हें तनख्वाह भी मिल जाएगी। इतनी मेहरबानी क्यों? मैं सब कुछ सोचते सोचते थक चुकी थी, सो तीखे लहजे में मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर पूछ ही लिया, जिस पर मैडम ने मुझसे भी ज्यादा तीखे लहजे में कहा कि अगर नौकरी छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, मगर आइंदा तुम्हारी जबान पर सवाल ना आए। ये पहली बार था कि उस औरत ने मुझसे इतने गुस्से और वाले लहजे में बात की थी, वरना मैंने उसका रवैया तो खुद के साथ हमेशा बहुत नरम देखा था। जी मैडम, कहकर मैं दफ्तर से निकल आई थी। खुद को समझाने लगी कि क्या जरूरत थी बोलने की, अगर पैसे मिल रहे हैं तो रख लो, पहले वाली नौकरी में तो सैलरी भी नहीं मिली थी। खुद से बातें करते करते मैं बाहर निकल आई। आज भी सामने सड़क पर अलीशा खड़ी थी और वो बस पर सवार होकर निकल गई। जब तक मैं उसके पास पहुंची, आज मुझे मसाज पार्लर में काम करते हुए 8 दिन हो गए, पर अलीशा एक बार भी नहीं आई। वो तो बोल रही थी कि मैं हमेशा यहाँ मसाज करवाती हूँ, पिछले 2 दिन से ये मुझे यहाँ क्यों दिख रही है? अब इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकती थी, क्योंकि वही मुझे यहाँ पर लाई थी और सारी कहानी का हिस्सा बनाया था। मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि कल जल्दी निकलकर इस लड़की से हर हाल में सवाल करूंगी, और उसी समय एक तेज रफ्तार गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई और मैं बेहोश हो गई।
उसके बाद मेरी आंख सीधा अस्पताल में खुली, जहां मेरी हल्की फुल्की पट्टी करके मुझे रखा गया था। चोटें ज्यादा गहरी नहीं थी, मगर मुझे एक दो दिन के लिए यहाँ रुकना जरूरी था। उस समय मुझे मेरी माँ की बहुत याद आई, मगर अभी वो यहाँ होती तो मेरे साथ रहती, मुझे अकेला नहीं रहना पड़ता यहाँ। एक बार मैं ऐसे ही बचपन में खेलते हुए गिर गई थी, जब मुझे कुछ टाके आए थे। टाके मुझे लग रहे थे, पर दर्द माँ को हो रहा था। बहुत तड़प रही थी वो। उन्होंने पूरा महीना मुझे स्कूल से छुट्टी करवाई और बार बार पूछती रहती थी कि दर्द तो नहीं हो रहा। पर अफसोस, मेरे भाई ने मेरी माँ की कदर नहीं की। पापा तो कब के इस दुनिया से जा चुके थे, पीछे मैं और मुझसे बड़ा भाई थे। माँ ने जिन हालातों में हम दोनों बहन भाइयों की परवरिश की थी, बहुत मुश्किल था अकेली औरत के लिए। परांदा बनाकर घर घर जाकर बेचती थी वो, और फिर कहीं जाकर हमें शाम की रोटी नसीब होती थी। वो वक्त तो जैसे तैसे गुजर गया, और फिर भाई भी बड़ा हो गया। वो पांचवी के बाद नहीं पढ़ा और स्कूल छोड़ दिया, लेकिन मैंने हिम्मत करके इंटर किया था। कुछ समय बाद भाई की शादी की फिक्र माँ को सताने लगी, मगर इससे पहले कि भाई एक लड़की को ब्याह कर ले आया और हमें बस बता दिया कि ये मेरी बीवी है, हम दोनों माँ बेटी चुप हो गए। कहते भी क्या, अब उसी लड़की को हमने भी अपना लिया, पर उसने हमें नहीं अपनाया कभी। कुछ लोगों के कदम अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। उस लड़की के घर में आने के बाद हमारा वहां रहना दुखभर हो गया था। आए दिन भाई माँ से झगड़ने लगा, कहता कि तुम मेरी बीवी को इज्जत नहीं देती, बहू जैसा नहीं मानती, वगैरह वगैरह। जबकि वो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, सारा काम मैं और माँ ही करते थे। एक बार मेरी माँ ने उसे कहा कि आज तुम्हारे पति का जन्मदिन है, तो तुम कोई खास खाना बना लो, ऐसा करो उसे बिरयानी बहुत पसंद है, वही बना लो। मेरी भाभी ने ऐसा तमाशा किया कि हे भगवान। भाई के घर आते ही रोते हुए उन्हें शिकायतें लगाने लगी कि आपकी माँ ने मुझसे काम करवाए, सारे घर की साफ सफाई करवाई, खाने की बारी आई तो मैंने कहा दो मिनट आराम कर लूं फिर बना दूंगी, तो सास ने कहा कि घर से भागने वाली लड़कियां ऐसा नहीं करती, वो तो नजरें झुका कर रहती हैं, तुम्हारे तो काफी पढ़ निकले हुए हैं। मैं तो भाभी की बातें सुनकर हैरान थी कि ये लड़की इतनी सारी बातें बना कैसे रही है। घर का सारा काम मैं करती थी और माँ खाना बनाती थी। जब भाई की नौकरी लगी थी तो उन्होंने माँ को परांदा बेचने से मना कर दिया था, तो घर का सारा खर्च वही उठाते थे। पर भाभी के आने के बाद से भाई ने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया था। मुझे कॉलेज में पैसे देने होते तो भाई से ही मांगती थी, तो वो बोलता था कि आज देता हूँ कल देता हूँ। घर के सामान में भी कमी करने लगा था। एक दिन माँ ने भाई से सीधे सीधे पूछ ही लिया कि अगर तुमसे हमारा खर्चा नहीं उठ रहा तो हम दोनों अपना कोई इंतजाम कर लेते हैं। तो भाई कहता कि कारोबार आजकल थोड़ा मंदा चल रहा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि सबके खर्चे उठाऊं, ऊपर से खुद भी गृहस्थी वाला हो गया हूं, तो मेरे भी बहुत खर्चे हैं। लेकिन मुझे ख्याल है आप दोनों का, मैंने एक शख्स से बात की है, वो लड़कियों को दुबई में नौकरियां दिलवाता है, तो अगर सपना यानी कि मैं दुबई चली जाए तो हम सबकी जिंदगी बन जाएगी। भाई का इतना कहना था कि माँ गुस्से से बोली कि तुम क्यों नहीं चले जाते हो, और तुम्हें तो अच्छे बुरे का भी खूब अंदाजा है। मगर भाई की यही राय थी कि ये सीट लड़कियों के लिए ही है, उन्हें बहुत कम कीमत में भेजा जा रहा है। एक एनजीओ है जो बेबस लड़कियों की मदद करता है और उन्हें दुबई में नौकरी दिलाता है, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए, बेहतर है कि जब भगवान मौका दे रहा है तो वो चली जाए। माँ ने इस बात पर काफी हंगामा किया, मगर फिर 3 दिन बाद फिर उसका कहना था कि वो सारा खर्चा उठाने को तैयार है। वो कहता मैं अपनी बीवी को नहीं भेज सकता, लेकिन सपना तो जा सकती है, उसकी जिंदगी बन जाएगी। फिर काफी बहस और तकरार के बाद ये मामला एकदम शांत हो गया। फिर एक दिन भाई आया और मुझे और माँ को तैयार होने को बोला। हमने पूछा तो कहने लगा कि बस तैयार हो जाओ, क्या करते हम भी मजबूर थे, हो गए तैयार। फिर हमें मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक इमारत में लेकर गया। वहां गए तो वहां पर सभी लड़कियों को हिदायत दी जा रही थी और दुबई जाने के रूल्स बताए जा रहे थे। वहां एक ऑफिसर था, वो माँ और मुझसे मिलने भी आया और हमें कुछ ऐसी लड़कियों से भी मिलवाया जो वहां जाकर 5 साल के अंदर अंदर अकेली अपने घर का खर्चा उठा रही थी। इन सब बातों से हमारा दिल तो साफ नहीं हुए, मगर हाँ काफी हद तक मैं और माँ इस बारे में सोचने लगे थे। उस इमारत से बाहर एक लड़की निकल रही थी, अब मैं चुपके से उसे कोने में ले गई और उससे यहाँ जाने के फायदे और नुकसान दोनों पूछने लगी। जिस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली
जी आप घबराइए नहीं, ये सब सच है और ये लोग दुबई में लड़कियों का ध्यान भी रखते हैं। पहले जब मैं गई थी तो मैं खुद बहुत डरी हुई थी, लेकिन ये ऐसा वैसा फ्रॉड नहीं है, हकीकत में ये अच्छा मौका है। घर आने पर भाई ने इस मौके का फायदा उठाया, उसका तो जैसे व्यवहार ही बदल गया था, बेहद मीठा और प्यारा सा हो गया था वो, जिसने हमारे दिलों में फिर से प्यार जगा लिया। और फिर एक दिन ऐसे ही कमजोर मौके को देखकर भाई ने माँ को मना लिया और मैं दुबई में आ गई। मैं इस कंपनी के जरिए दुबई में आ तो गई, सारा खर्च उन लोगों ने ही किया था और मदद भी की थी। मुझे अपने कमरे का सिर्फ आधा किराया ही देना था, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए। 2 सालों में मैं अपनी जिंदगी बना लेती तो बना लेती, वरना उसके बाद मुझे मौका नहीं मिलना था। मगर फूटी किस्मत मेरी, जितनी जगह पर भी नौकरी की या कंपनी की तरफ से मुझे नौकरी मिली, वहां कोई ना कोई ऐसी गलती हो ही जाती थी कि बगैर तनख्वाह ही मुझे वहां से निकाल दिया जाता था। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हो गई थी। उस दिन भी पार्क में नई नई नौकरी से निकाली गई ही बैठी थी, जब अलीशा मेरे पास आई और मसाज सेंटर में नौकरी दिलाई। तब मैंने सोच लिया था कि यहां से कुछ ना कुछ तो करना ही है, पर ये मसाज सेंटर में कुछ तो गलत हो रहा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। अस्पताल से बड़ी मुश्किल से आज मुझे छुट्टी मिली और मैं रात को जख्मों पर पट्टी बांधे हुए मसाज सेंटर पहुंच गई। हर कोई मुझे इतनी हैरानी से देख रहा था। वहां एक दो लड़कियों से मैंने पूछा कि क्यों तुम लोग कहती हो कि मैं खुशकिस्मत हूं, पर वहां हर कोई मेरी बात टाल देता। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जान सकूं, मगर कोई भी वहां मुझे सच बताने को तैयार ही नहीं था। मुझे मसाज सेंटर में नौकरी करते हुए 1 हफ्ता हो गया था। मेरे अंदर तो जासूस बेहद खतरनाक हो चुका था। मैंने एक दिन ये जानने का फैसला कर ही लिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैं कमरे में गई और वहां मसाज नहीं किया, बस नीचे आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद ही मैडम आई और फिर जो उन्होंने कहा, क्या बताऊं मैं आप सबको, मेरे तो होश ही उड़ गए। जब कमरे का दरवाजा खुला और मैडम अंदर आई तो मुझे देखकर वो लपक कर गुड्डे के पास गई और उसे गोद में लेकर खिलाने लगी। साथ ही बार बार पुचकार भी रही थी, कहने लगी, मम्मा आपको वक्त नहीं दे पाती, पर मम्मा आपके लिए ही तो पैसे जमा कर रही है ना, ताकि आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। जब से आपके बाबा गए हैं तो आप भी मुझसे बात नहीं करते जाफर, मम्मा की जान हो, मम्मा से बातें करो। खूबसूरत आंटी ने आपका मसाज कर दिया है ना, सारा दिन खेल खेल के थक जाते हो, तो मैंने इन्हें रखा है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। जिंदगी का हर पल आप एंजॉय करो, बाकी सब मम्मा देख लेगी। देखो ना बेटा, बाकी सब मुझे आपसे दूर रखते हैं, मगर मैं आपको अपने पास छुपाकर इसलिए रखती हूँ ताकि कोई आपको मुझसे छीन ना ले, क्योंकि मम्मा अपनी जान के बगैर नहीं रह सकती। साथ ही मैडम ने गुड्डे को गले से लगाया और लोरी सुनाने लगी। मैं ये सब कुछ सुन और देखकर हैरत में थी। मैडम की बातें सुनकर कुछ कुछ तो मुझे समझ आ रहा था, लेकिन पूरी बात जानने के लिए अलीशा से पूछना जरूरी था। इनाम के तौर पर मैडम ने वहां पर पैसे रख दिए और गुड्डे को अपनी गोद में खिलाने के अंदाज से लेकर अपने कैबिन में चली गई। आज फिर मैं जैसे ही मसाज सेंटर से बाहर निकली, मुझे सामने ही अलीशा दिखाई दी। उसकी गाड़ी भी दूर से आ रही थी। ट्रैफिक देखे बगैर मैं भागते हुए सड़क पार की और उसके पास पहुंचकर उसका हाथ थामा। वो पहले तो हैरान हुई, मगर मुझे देखकर हाथ छुड़वाने लगी, पर मैंने भी मजबूती से उसका हाथ पकड़ा, उसे कोने में घसीट कर लाई और सख्त लहजे में पूछा, मुझे सब हकीकत पता चल गई है, अब असल बात बताओ, वो औरत क्यों उस गुड्डे को अपना बेटा कह रही है? पहले तो अलीशा को लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मेरी बातों को इग्नोर कर रही थी, मगर मैंने उसे कहा कि गुड्डे को बेटा क्यों कहती है, वो तो एकदम चुप हो गई और बोली, सामने चलो वहां जाकर बात करते हैं। मुझे उस पर यकीन ही नहीं था, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ कर ही मैं उसे एक कॉफी शॉप में लाई और हम वहां बैठ गए। उसने बताया कि मैं उस औरत की बेटी हूँ, मेरे बाबा एक कार हादसे में जान से चले गए थे, उस वक्त मेरा छोटा भाई जो तकरीबन 2-3 साल का होगा वो भी उनके साथ कार में था, सिर्फ बाबा ही नहीं जाफर भी हमें छोड़कर गया था। उसके बाद मम्मा की हालत बहुत खराब, बाबा के दुख को तो वो बर्दाश्त कर गई, मगर जाफर के जाने को नहीं कर सकी, क्योंकि 20 साल के बाद उनको बेटा पैदा हुआ था। मेरे बाद बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, फिर 20 साल बाद जाफर पैदा हुआ, तो हर वक्त माँ उसके लाड उठाती रहती थी, लेकिन जाफर की मौत ने उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला, जिससे वो पागल हो गई। मगर देखकर नहीं लगता, वो पागल सिर्फ औलाद के मामले में हुई थी। मुझे उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और जाफर की शक्ल जैसा गुड्डा ले आई। अभी उनका इलाज हो रहा है, मैं मम्मा से मिलने आती हूँ, मगर वो मुझे पहचानती नहीं है।
उसकी ये बातें सुनकर मैं उसे दिलासा देने लगी। उसके बाद मैंने पूछा, तो मुझे क्यों रखा है? इसका जवाब उसने दिया कि यहाँ की लड़कियों को रखें तो वो मम्मा को पागल समझती हैं और 3 बार मम्मा की उन्होंने शिकायत भी लगाई है पागल खाने में, इसलिए तुम्हें रखा है क्योंकि तुम उस दिन मुझे डरी सहमी सी लगी और तुम्हें पैसों की भी जरूरत थी। तो अब मैं क्या उम्मीद रखूं कि तुम सच जानने के बावजूद मेरी माँ के साथ काम करोगी? तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया क्योंकि उनके ठीक होने का उनकी बेटी और मेरा दोनों का फायदा था। मेरी जिंदगी के सुलझने के बहुत सुंदर चांसेस दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं उसके मसाज पार्लर में काम करती रही। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यार से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।